नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा मेरे कलेक्शन में जो 10 रुपये के सिक्के हैं उनके बारे में। तो वो पहला भाग था जिसमें कि हमने 19 सिक्कों में से 9 सिक्कों के बारे में जानकारी हासिल की। आज के वीडियो में हम बाकी के 10 सिक्कों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है मेरे बाकी के 10 रुपये के सिक्के जिनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला सिक्का होमी जे भाभा को समर्पित है। होमी जहांगीर भाभा, जिनका जन्म 1909 में हुआ था, वे एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्थापक भी थे। उनका फिजिक्स के बारे में ज्ञान विश्व प्रख्यात था और 1951 में उन्हें नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया था और भारतीय सरकार ने 1954 में पद्म भूषण से भी सुसज्जित किया था। हमारा दूसरा कॉइन स्वामी चिन्मयानंद के बर्थ सेंटेनरी, यानी कि उनके जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2015 में इशू किया गया था। हमारा तीसरा कॉइन महाराणा प्रताप के 475वें बर्थ एनिवर्सरी को के उपलक्ष्य में 2015 में इशू किया गया था। ये भी बायोमेटलिक कॉइन है और इसके सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में अल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। हमारा चौथा कॉइन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 2015 में इशू की गई थी। हमारा पाँचवा कॉइन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीआर अंबेडकर के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे 2015 में इशू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता भी माने जाते हैं। हमारा छठा कॉइन 2015 में इशू किया गया लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी के भी नाम से जाने जाते थे, उनके 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे के उपलक्ष में ये कॉइन इशू किया गया था। ये भी हमारा सातवां कॉइन भी 2015 में इशू किया गया था। ये महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में ये कॉइन इशू किया गया था। ये भी बायोमेटलिक कॉइन है, सेंटर में कॉपर निकल और रिंग में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है और वेट में 7.71 ग्राम्स है, डायमीटर 27 mm और थिकनेस 1.8 mm का है। जो हमारा अगला सिक्का है वो बहुत ही विशेष सिक्का है। ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला 10 रुपये का सिक्का है। ये 1969 में इशू किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1969 में इशू किया गया था। ये सिल्वर सिक्का है और इसकी कंपोजिशन 80% सिल्वर का है और 20% अलॉय है। इसका वेट जो बाकी के बायमेटलिक कॉइन्स है इनसे ऑलमोस्ट दुगना है। ये 15 ग्राम का वेट है और इसका डायमीटर भी काफ़ी बड़ा है, 33.53 mm का है ये सिक्का और इसकी थिकनेस भी औरों के मुकाबले ज़्यादा है। ये 2 mm की थिकनेस के साथ में ये सिक्का इशू किया गया था 1969 में। आज के वीडियो का जो हमारा नवा सिक्का है वो भी बहुत ही विशेष सिक्का है। ये स्वतंत्र भारत का दूसरा 10 रुपये का सिक्का था, जो कि 1970-71 के समय में इशू की गई थी। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको धान की बालियां और सूर्य और कमल का चित्र पीछे में दिखेगा और ये भी एक चांदी का सिक्का है। ये सिल्वर कॉइन है जिसमें कि 80% सिल्वर और 20% अन्य धातु यानी अलॉय हैं। इसका वेट भी 15 ग्राम का है, जो कि
महात्मा गांधी के 10 रुपये का सिक्का के समान है और इसका डायमीटर भी 33.53 mm है और थिकनेस 2 mm है। जो हमारा आखिरी सिक्का है ये भारत की स्वतंत्रता के 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1972 में इशू की गई थी। इसका कंपोजिशन 50% सिल्वर का है, 40% कॉपर है इसमें, और निकल और जिंक 5-5% इसमें है। ये भी काफ़ी बड़ा सिक्का है। इसकी डायमीटर जो है वो जो सामान्य कॉइन्स हैं उनसे तो ज़्यादा है ही। जो पहले दो कॉइन्स इशू किए गए थे, 10 रुपये के कॉइन्स इशू किए गए थे, उससे भी ये काफ़ी बड़ा है। ये 38.35 mm का है और थिकनेस में भी ये उन सिक्कों से ज़्यादा था। ये 2.2 mm का थिकनेस है और ये वेट में भी ज़्यादा है। वेट में जो पहला सिक्का 15 ग्राम का था, ये सिक्का 22.5 ग्राम यानी 22.5 grams का है। तो दोस्तों ये रही जानकारी मेरे कलेक्शन की 19 10 रुपये के सिक्कों के बारे में। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।